अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पाई है जिसका हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे वृत्त का क्षेत्रफल हो, चाहे परिधि हो, चाहे बेलन हो, चाहे गोला हो, और ज्यामिति में इसका इतना ज़्यादा महत्व है, वास्तव में ये पाई आया कहाँ से, इसका मान कितना होता है, इसकी खोज किसने की और ये किस प्रकार की संख्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम यहाँ पर समझेंगे। वास्तव में देखा जाए तो पाई जो है, पाई का आविष्कार हुआ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है आविष्कार के पीछे, कि पुराने समय में क्या हुआ था कि घोड़ा गाड़ी यूज़ की जाती थी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए। स्वाभाविक सी बात है कि जब गाड़ी घोड़ा गाड़ी का जब यूज़ किया जाता था तो जो ये पहिए है, पहिए क्या, इसके वृत्ताकार पहिए न होके थोड़े से उबड़ खाबड़ पहिए कुछ इस प्रकार से हुआ करते थे, क्योंकि उस समय में एग्जैक्ट वृत्त बनाने का जो टेक्निक थी वो लोग नहीं जानते थे। वृत्ताकार पहिया बनाना एक जटिल काम था। आर्किमिडीज ग्रीक के गणितज्ञ बोलिए चाहे भौतिक शास्त्री बोलिए, ग्रीक के गणितज्ञ थे या भौतिक शास्त्री, भौतिक में भी इनका बड़ा योगदान है, गणित में भी इनके काफ़ी प्रयोग है। जब आर्किमिडीज ने ये देखा कि ये जो पहिया है, पहिए उबड़ खाबड़ होने के कारण काफ़ी ज़्यादा समस्या जाती, घोड़े को भी गाड़ी खींचने में ज़्यादा मेहनत करनी होती है, तो वृत्ताकार बना, अगर इसको पहिए को अगर वृत्ताकार बनाया जाए तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो इन्होंने एक प्रयोग करके देखा, एक वृत्त बना के देखा, और वृत्त बनाने के बाद में इन्होंने कुछ इस प्रकार के वृत्त बनाए कि कुछ वृत्त छोटे बनाए, कुछ वृत्त बड़े बनाए, इस प्रकार से कुछ वृत्त बड़े बनाए और अलग अलग साइज के इन्होंने क्या किए, व्रत बनाए, कई सारे व्रत बनाए। व्रत बनाने के बाद में इन्होंने ये देखा कि एग्जैक्ट वृत्ताकार पहिया बनाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन्होंने देखा कि व्रत की परिधि कितनी है, इसकी परिधि जानने की इन्होंने कोशिश की। तो इन्होंने ये देखा कि व्रत के किसी एक बिंदु से इस प्रकार से अगर इस दूरी को मापा जाए तो इसको वृत्त की परिधि का नाम दिया गया, और ये वाली जो लंबाई है वो लंबाई वास्तव में कितनी है, कैसे मापी होगी उन्होंने, उन्होंने स्केल की सहायता से मापेंगे तो मेरे ख्याल से स्केल की सहायता से उतना करेक्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि स्केल क्या होगी, स्केल सीधी होती है, सीधी लंबाई को मापने के काम आती है। अगर स्केल से हम इस प्रकार से मापते हुए चले गए तो कहीं ना कहीं स्केल के फिसलने के चांसेस ज़्यादा हो गए, तो एक्यूरेट यानी कि ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में इसको मापना मुश्किल होगा। तो आर्किमिडीज ने भी क्या एक टेक्निक लगाई, इन्होंने एक धागा, जो कपड़े सिलने के लिए धागा यूज़ किया जाता है, उस धागे का उपयोग किया और यहाँ से धागा बिछाना चालू किया और पूरा जब एक चक्कर लगा दिया धागे ने तो यहाँ से कैंची से कट कर दिया और इस लंबाई को उन्होंने इस प्रकार से धागे को लंबा कर दिया, स्केल की सहायता से इस लंबाई को माप लिया। सेम इसी प्रकार से इसकी भी लंबाई को मापा और सेम इसी प्रकार से इस व्रत की भी परिधि की लंबाई को इन्होंने माप लिया। मापने के बाद इन्होंने इसका, इस व्रत का व्यास निकाला, और व्यास किसे कहा जाता है, व्रत का व्यास क्या होता है, व्रत पर दो को ऐसे बिंदु हो जिसको मिलाने वाला रेखाखंड व्रत का ये केंद्र है ना, व्रत के केंद्र से होकर गुजरता है, तो ये वाली जो लंबाई होगी ये क्या कहलाती है, व्रत का व्यास कहलाती है। व्रत का व्यास ज्ञात करने के लिए आसान तरीका है कि आप इसको स्केल की भी सहायता से व्रत का व्यास निकाल सकते हैं। देखिए मुझे अगर इसके व्रत का व्यास निकालना है तो आपके स्केल पर अगर व्रत का केंद्र अगर आ जाता है इस प्रकार से, ये देखिए व्रत का केंद्र आ गया स्केल पर, तो आपकी ये वाली जो लंबाई होगी वो क्या होगी, व्रत का व्यास होगी, ठीक है ना। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो लंबाई है ये व्रत का व्यास होगा। तो ऐसे अनेक प्रयोग किए इन्होंने। इन्होंने क्या किया, व्रत की परिधि, व्रत की परिधि, व्रत की परिधि की लंबाई उन्होंने ज्ञात की, कहने का मतलब ये पूरा एक चक्कर, और इसके बाद में व्रत का व्यास ज्ञात किया, व्रत का व्यास ज्ञात किया, व्रत का व्यास ज्ञात किया। सेम इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, एक व्रत के लिए काम किया, दूसरे व्रत के लिए काम किया, तीसरे व्रत के लिए काम किया, और ऐसे कई सारे व्रत उन्होंने बना के यूज़ किया। इन्होंने देखा कि इसका जो अनुपात है 223/71 अनुपात है।
जब 223/71 अनुपात है तो स्वाभाविक सी बात है कि जब छोटा है तो ये इनके मान कम हो गए, बड़ा है तो इसके मान ज़्यादा हो गए। ओवरऑल घुमा फिरा के जब इसको कैंसिल वगैरह करने की कोशिश की तो लगभग सारे व्रतों के लिए व्रत की परिधि का और व्यास का जो अनुपात प्राप्त हुआ 223/71 प्राप्त हुआ। अब 223/71 ये मान काफ़ी बड़े हैं। इन्होंने ये देखा कि व्रत का जो घोड़ा गाड़ी का जो पहिया है ज़्यादा से ज़्यादा वृत्ताकार बन जाए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो एक लगभग मान हम इसको मान सकते हैं। तो आर्किमिडीज ने ये देखा कि जो व्रत की परिधि है, व्रत की परिधि और इसका जो व्यास है, ध्यान देना ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसका जो व्यास है इसका अनुपात जो 223/71 है इसको हम क्यों ना थोड़ा सा और 60 में कर दें, क्योंकि इस गन्ना की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें। तो इसको उन्होंने बोला कि इसका लगभग मान 22/7 मान रख दिया जाए। तो उन्होंने आर्किमिडीज ने ये बोला कि लगभग दोनों का जो अनुपात होगा 22/7 अनुपात होगा, इसका 3 भी हटा दिया, इसका 1 भी हटा दिया। अब चूंकि इसका व्रत की परिधि का कई बार यूज किया जाता है तो इस मान को कुछ ना कुछ किसी न किसी एक अचर के रूप में प्रदर्शित किया जाए। तो चूंकि ये ग्रीक के रहने वाले हैं तो इन्होंने ग्रीक वर्ड का यूज किया। आप ग्रीक वर्ड का मतलब ग्रीक अल्फाबेट का यूज किया। कहने का मतलब ये है कि अगर हम हिंदी की बात करें तो हमें मालूम है कि 52 खड़ी होती है। हिंदी में कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। जैसे क ख ग घ अ आ ई, ये क्या होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। यदि हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। और सेम इसी प्रकार से जिस प्रकार से ग्रीक की बात कर रहे हैं हम, तो जैसे इंग्लिश में के अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं और ग्रीक में 24 लेटर होते हैं। जिस प्रकार से इंग्लिश में छोटे और बड़ी ABCD होती है, सेम इसी प्रकार से ग्रीक में भी छोटे और बड़े अल्फाबेट्स होते हैं। इनके नाम क्या होते हैं तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो साइंस में जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जो सिंबल यूज़ किए जाते हैं, जो अचर राशियाँ यूज़ की जाती है, वो अधिकतर हम ग्रीक से ही उठाते हैं। आपने देखा होगा कि अल्फा का नाम सुना होगा आपने, बीटा का नाम सुना होगा, गामा का नाम सुना होगा, डेल्टा का नाम सुना होगा, इप्साइलेंस का नाम सुना होगा, जेटा, ईटा, थीटा, आयोटा, कप्पा, लेमडा, म्यू, न्यू, जाई, ओमिक्रॉन, पाई, रो, सिग्मा, टाऊ, उपसालन, फाई, छाई, साई और ओमेगा। इस प्रकार से 24 लेटर होते हैं ये। और सामान्यतः ये जो छोटे लेटर है ना, छोटे लेटरों का ज़्यादा उपयोग एक अचर राशि के रूप में किया जाता है। तो ये भी ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। तो इन्होंने ग्रीक साइंटिस्ट भी है, फिजिशियन भी है ना, फिजिक्स में भी इनके बहुत सारे आविष्कार हैं और भी कई सारे क्षेत्रों में इनके आविष्कार हैं, गणित में भी है, इसलिए मैं इसको मैथमेटिशियन, गणित की बात कर रहे हैं इसलिए मैथमेटिशियन बोल देता हूँ। तो इसका जो 16वां लेटर है पाई, इन्होंने बोला कि इसका मान हम क्या कर देते, पाई के बराबर रख देते। और तब से बोला गया कि पाई का मान कितना होता, लगभग 22/7 होता है। व्रत की परिधि, ध्यान देना इधर, व्रत की परिधि बटे व्यास, व्यास को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, डी से प्रदर्शित किया जाता है। और डी का मान क्या होता है, 2R के बराबर होता है। फिर से और एक बार देखिए, जो इसका व्यास है, इस व्यास को बोला जाता है, इसकी लंबाई को बोला जाता है डी। डी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको डायामीटर बोला जाता है इंग्लिश में, इसलिए इसको डी से प्रदर्शित किया जाता है। व्रत के केंद्र से व्रत तक की दूरी जो होती है वो आर होती है, यानी कि त्रिज्या होती है, यानी कि रेडियस होती है। व्रत के केंद्र से ये वाली भी त्रिज्या होगी, तो डी का मान कितना होगा, R+R। तो सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि व्यास जो होता है, डी बोलिए या तो ये क्या है, 2R के बराबर होता है, तो हम डी के जगह 2R लिख सकते हैं। इसका जब तिर्यक गुना होगा तो क्या हो जाएगा, व्रत की परिधि, व्रत की परिधि, देखिए ध्यान देना इधर, व्रत की परिधि बराबर से
टू आर और ये क्या हो गया पाई, इसका तिरेक गुना होगा और इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे तो टू पाई आर। तो ओवरऑल वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, टू पाई आर फार्मूला होता है। तो आर्किमिडीज के इस प्रयोग के द्वारा वृत्त की परिधि का भी एक सूत्र हमें प्राप्त हुआ और इसी सूत्र से फिर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला बनाया और इसी से फिर बेलन का, इसी से शंकु का, इसी से गोले का और इस प्रकार से ज्यामिति का फिर यहाँ से विकास भी हुआ। यदि हम यहाँ पर देखें तो एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि पाई क्या होता है, कि परिमेय अपरिमेय संख्या होती है, ध्यान देना इधर, अपरिमेय संख्या होती है, और 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर ये समझने लायक है, जब पाई का मान 22/7 होता है तो जिसको पी डिवाइडेड बाय क्यू के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, जहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए ना, 22/7 पी डिवाइडेड बाय क्यू, पी के जगह 22 और क्यू के जगह 7, तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो फिर पाई अपरिमेय संख्या क्यों हुई, इस बात को भारतीय गणितज्ञ ने, जो कि भारतीय गणितज्ञ जो थे आर्यभट्ट जी, इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि पाई का मान जो आर्किमिडीज ने बताया था कि 22/7 होता है, और 22/7 क्या होता है, लगभग होता है। आर्यभट्ट ने यह देखा कि इससे भी और ज़्यादा सटीक इसका मान निकाला जा सकता है क्या, तो इन्होंने दशमलव में इसका मान लिखना चालू किया और ज्ञात किया, और उन्होंने देखा कि इसका मान 3.14159265358979 इस प्रकार से इसका मान है, और ये भी मान ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद में इस प्रकार से मान चलते जाएगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। हमें मालूम होना चाहिए कि कभी भी अपरिमेय संख्या जो होती है, अपरिमेय संख्या जो होती है, वो संख्या होती क्या है, क्या होती है, जब दशमलव में अशांत दशमलव संख्या प्राप्त होती है, क्या होती है, अशांत। अशांत किसको बोलते हैं, जब दशमलव में संख्या प्राप्त हो रही है और वो कभी खत्म नहीं हो रही, इसके बाद में भी बहुत सारे अंक इस प्रकार से आते जाएंगे और अनंत तक चलते जाएंगे, तो इसको क्या बोला जाता है, अशांत। शांत नहीं है ना, एक निश्चित नहीं है, खत्म नहीं हुआ और आगे चलते जाएंगे, और अपुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति हो, अपुनरावृत्ति का मतलब क्या है, कोई भी संख्या एक क्रम के बाद में वापस नहीं आ रही है। देखिए 1415926, फिर 5 आया, यहां पर भी 5 आया था, फिर 5 आया, यहाँ पर 5 के बाद में क्या है, 5926, तो यहाँ पर भी 5926 अगर आता तो फिर इस प्रकार से पुनरावृत्ति होती, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। कोई भी हम ये नहीं बोल सकते कि ये वाला स्लॉट फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। जब भी ऐसी स्थिति आती है कि अशांत संख्या हो और पुनरावृत्ति संख्या हो, तो इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो आर्यभट्ट जी ने इस बात को क्लियर किया कि जो पाई का मान होता है ये क्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो मान है ये क्या है, पाई का लगभग मान है, और यदि हम 22/7 रखते हैं तो ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार की ये जानकारी थी, पाई का कैसे आविष्कार हुआ हमने ये जाना, और स्टेप बाय स्टेप इसमें आर्यभट्ट जी का एक बड़ा योगदान था, जो कि इन्होंने दशमलव के रूप में इसको प्रदर्शित किया, इन्होंने ये सिद्ध किया कि जो पाई का मान होता है ये अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या नहीं होती है। देखेंगे हम इसी प्रकार के कुछ और जानकारियाँ अगले वीडियो में। Thank you.